नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 100cc की बेस्ट बाइक ढूंढ रहे हो अपने लिए? तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आप सभी को 100cc की बेस्ट बाइक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही उसके EMI और फाइनेंस के बारे में भी बताऊंगा कि कितना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो कितना EMI वगैरह आएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भाई। फाइनेंस, डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंट, हर चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप किस्त पे इसको लेने के सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। सबसे पहले तो भाई मैं आप सभी को होंडा लिवो 110 का प्राइसिंग बताना चाहूंगा। अभी इस गाड़ी में आज के रेट में दो वेरिएंट मिलते हैं भाई। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो तो 92,330 रुपए का आता है, वहीं डिस वाला लेते हो तो मोटा मोटी 96,862 रुपए का आता है। तो यहाँ पे मैं डिस वाले मॉडल का ही EMI निकालने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं 4-5 डाउन पेमेंट लूंगा। एक 20,000 लूंगा, एक 40,000 लूंगा, एक 60,000 लूंगा, 80,000 तो नहीं लूंगा, एक 50,000 ले लूंगा, 4 डाउन पेमेंट हो जाएगा ना। और अगर आपके मन में कोई और डाउन पेमेंट हो, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि 35,000 कर देते हैं, 45,000 कर देते हैं, 28,000 कर देते हैं, तो आप अपना डाउन पेमेंट लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसी के अनुसार EMI कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि कितना आएगा। और यहाँ पे मैं 10% इंटरेस्ट रेट जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई ज्यादातर लोगों का 10% ही लगता है। अगर आपका सिविल खराब होगा तब जाके ज्यादा लगता है भाई, अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो फिर 10% में आपको गाड़ी मिल जाएगा आराम से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को 20,000 डाउन पेमेंट का बताता हूँ भाई कि क्या EMI वगैरह आएगा। अगर आप 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो, टॉप मॉडल लेते हो, तो 3 साल के लिए EMI बंधवाते हो, तो मोटा मोटी 2776 रुपये का आपका EMI आएगा मंथली। 2776 रुपये का, 2776 रुपये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, 23,074 रुपये। वहीं अगर आप मान लो 2 साल के लिए EMI बंधवाते हो 20,000 डाउन पेमेंट करके, तो 3,843 रुपये का आपका EMI आएगा। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट में बताऊं तो 15,370 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर मैं 1 साल का बताऊं तो 7,046 रुपये आपका EMI आएगा मंथली 1 साल तक। यहाँ पे भी मैंने 10% इंटरेस्ट रेट जोड़ रखा है, यहाँ पे 7,690 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब गाड़ी के दाम से एक्स्ट्रा आपको पे करना है इंटरेस्ट है। अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर 4,911 रुपये का EMI आएगा। तो ठीक है भाई, 1 साल 1.5 साल का ठीक है, 2 साल तक का भी ठीक है, लेकिन 3 साल का भी भूल के भी मत करवाना। तो ये तो हो गया भाई 20,000 का। अभी आगे बढ़ते हैं, 40,000 का डाउन पेमेंट लेते हैं भाई, देखते हैं 40,000 पे क्या कहानी होता है। अगर आप 40,000 का डाउन पेमेंट कराते हो या फिर करते हो भाई कह सकते हो, तो 1 साल के लिए EMI बनवाते हो तो 5,212 रुपए का आपका EMI आएगा, 5,212 रुपए का। वहीं अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे 5,682 रुपए का आपका इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब वही इंटरेस्ट लगेगा कह सकते हो। अगर 1.5 साल का कराते हो तो 3,633 रुपए का EMI आएगा, 3,633 रुपए का। अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर आपका 2,843 रुपए का EMI आएगा 2 साल तक 40,000 के डाउन पेमेंट पे, यहाँ पे 11,370 रुपए आपका इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 2,053 रुपए का ही EMI आएगा, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 17,046 रुपए। और मान लो अगर आप 2.5 साल का EMI करवाते हो तो फिर 2,369 रुपए का आपका EMI आएगा मंथली, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 14,208 रुपए। बाकी अगर आप डाउन पेमेंट मान लो 50,000 करते हो तो फिर भाई आपका 1 साल का EMI आएगा 4,296 रुपए, 4,296 रुपए, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 4,690 रुपए। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो 2,994 रुपए का EMI आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 7,030 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 2,343 रुपए का EMI आएगा 24 महीने तक, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 9,370 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर आपका 1,692 रुपए का EMI आएगा 3 साल तक, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 14,050 रुपए। भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कभी भी आप भूल के 3 साल का मत करवाना भाई, 2 साल तक का करवा लेना ठीक है, लेकिन 3 साल का करवाओगे तो लूट जाओगे भाई, क्योंकि आपको फाइनेंस वाले ज्यादा फोर्स करेंगे कि 3 साल का ही करवाओ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना भाई। 50,000 का कहानी मैंने बता दिया, एक बार मैं 60,000 लेता हूँ। 60,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 1 साल के लिए EMI बंधवाते हो, तो 3,379 रुपए का आपका EMI आएगा 1 साल तक, यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है आपका 3,686 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई 1,843 रुपए का EMI आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 7,370 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो 1,331 रुपए का ही EMI आएगा, यहाँ पे 11,054 रुपए का आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है कह सकते हो। बाकी 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका
EMI आएगा 2355 रुपए का। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 5528 रुपए, ये भी ठीक है भाई, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है 5000 रुपए मात्र। वहीं अगर आप 2.5 साल का करवाते हो तो फिर भाई 1536 रुपए का EMI आएगा 2.5 साल तक, यहाँ पे 9200 रुपए आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 60000 मैंने बता दिया, एक बार मैं 70000 का भी बता देता हूँ। 70000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो लीवो लेने के लिए टॉप मॉडल डिस वाला, तो एक साल के लिए EMI बनवाते हो तो 2462 रुपए का EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई आपका मोटा मोटी 2682 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो 1343 रुपए का ही EMI आएगा। 3 साल का कराते हो तो 970 रुपए का EMI आएगा। यहाँ पे 8058 रुपए आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 1119 रुपए का आपका EMI आएगा, 6708 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 1716 रुपए का ही EMI आएगा आपका 1.5 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 4026 रुपए। बाकी यहाँ पे मैंने कितना आपको डाउन पेमेंट बता दिया, 20000, 40000, 50000, 60000, 70000, 5 डाउन पेमेंट बता दिया। बाकी आपके मन में जितना भी डाउन पेमेंट होगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी के अनुसार कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। अब थोड़ा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, प्रोसेसिंग फी की बात कर लेते हैं, इसके अलावा कितना अगर आप EMI मिस करते हो तो आपके गाड़ी छीनने वाले आ जाएंगे उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट का कहानी बताया, तो आपका ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, पासबुक लगेगा और ATM लगेगा और फोन पे लगेगा। अगर आप फोन पे चलाते हो तो ATM नहीं लगेगा, ATM चलाते हो तो फोन पे नहीं रहेगा, हालांकि फोन पे ही दे देना भाई वो इजी होता है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट का कहानी। बाकी बिजली बिल, गैस का कार्ड, ये सब नहीं लगेगा भाई। इसके अलावा रहा बात प्रोसेसिंग फी का, तो जैसे देखो अगर आप 40000 रुपए का डाउन पेमेंट करते हो ना, तो 40000 में ही अगर उनका प्रोसेसिंग फी 2000 रुपए होगा तो 2000 वो रख लेंगे भाई, 38000 का ही आपका डाउन पेमेंट चढ़ाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान देना, प्रोसेसिंग फी लगता है भाई, हर कंपनी वाले लेते हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब किसी का ज्यादा लगता है, किसी का कम लगता है भाई। लेकिन एक चीज है भाई, अगर आप बैंक से जाके लोन कराते हो, अब उसका प्रोसेस क्या होता है मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, आप देख लेना। जैसे अगर आप बैंक से कराते हो तो वहां पे प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। मैं आपको बता भी देता हूँ जैसे क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी का आप कोटेशन मांगना शोरूम में जाके, इतना बड़ा कोटेशन देंगे, मतलब है देंगे पेपर जैसा कंप्यूटर से काट के, तो वो जाके आपको बैंक में दिखाना होगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वहां पे दिखाओगे ना, तो वो लोग देखेंगे आपका सिबिल वगैरह और कहेंगे कि हाँ इतने पर इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा, इतना EMI वगैरह आएगा। वहां पे प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा भाई, सिंपल सा प्रोसेस होता है वो भी। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर शोरूम में लेते हो किसी भी फाइनेंसर से, तो वहां पे प्रोसेसिंग फी तो लगेगा ही लगेगा। बाकी अगर आपको शोरूम से ही लेने का मन है तो आप भाई 2-3 फाइनेंसर से पता कर लेना, क्योंकि 2-3 फाइनेंसर वहां पे बैठे रहते हैं। तो ये चीज भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के पास जाते हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि एक ही के पास पता किए हैं और एक ही से करवा लिए। भाई ऐसे नहीं करवाना चाहिए, हर फाइनेंसर से आपको पता कर लेना चाहिए किसके पास कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना EMI आ रहा है, कितना डाउन पेमेंट आ रहा है। तो ये चीज है। बाकी रहा बात EMI ना भरने का, तो जैसे एक दो तो माफ कर देते हैं भाई, माफ क्या करते हैं, ले ही लेते हैं, वो माफ नहीं करते हैं। लेकिन तीसरा EMI जैसे ही आप बाउंस करोगे तो फिर आपके घर पे गाड़ी खींचने वाले आ जाते हैं। तो इसीलिए आप EMI वगैरह ना भाई मिस करो, क्योंकि लफड़ा होता है यार, सिबिल वगैरह गिर जाता है भाई। तो आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो या फिर फुल कैश ही ले लो गाड़ी भाई, उसके बाद तो टेंशन ही फ्री रहोगे। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत लोग का बजट नहीं होता फुल कैश लेने, तो ज्यादा से ज्यादा आप डाउन पेमेंट करो भाई, और कम से कम टाइम के लिए आप बंधवाओ, ऐसे टेंशन फ्री रहोगे, ज्यादा आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। तो यही कहानी है भाई होंडा लीवो के फाइनेंस का, मैंने हर चीज डिटेल में बता दी। आपका कुछ क्वेरी हो तो सेक्शन में बता देना, और डाउन पेमेंट भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं फटाक से आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और किसी गाड़ी का आपको ऐसे ही जानना है फाइनेंस वगैरह का, तो मुझे कमेंट में बता देना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलो बाय बाय।